6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस दुनिया को अलविदा कह गए थे, लेकिन बाबा साहब का आखिरी दिन कैसा था? पांच दिसंबर 1956 की सुबह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देर से सोकर उठे। नानक चंद रत्तू उनके उठने का इंतजार कर रहे थे। रत्तू 16 सालों से बाबा साहब के यहाँ सहायक थे। बाबा साहब के उठने के बाद रत्तू ने दफ्तर जाने की इजाजत मांगी। घर में बाबा साहब, उनकी दूसरी पत्नी सविता अंबेडकर और डॉक्टर मालवंकर थे। डॉक्टर मालवंकर मुंबई से उनके स्वास्थ्य की जाँच के लिए आए हुए थे। दिन काफी सामान्य था। दोपहर में सविता और डॉक्टर मालवंकर कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार चले गए, लेकिन काफी देर तक नहीं लौटे। उस समय बाबा साहब घर में ही थे। करीब शाम 6 बजे रत्तू ऑफिस से वापस लौटे, लेकिन तब तक भी सविता अंबेडकर बाजार से नहीं लौटी थी। इस बात से डॉक्टर अंबेडकर नाराज हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा। बाबा साहब गुस्से में थे। रत्तू ने भी उनकी नाराजगी महसूस की थी। डॉक्टर अंबेडकर ने रत्तू को टाइप करने के लिए कुछ काम दिया। काम खत्म करने के बाद रत्तू जाने ही वाले थे कि सविता अंबेडकर जी लौट आई। कहते हैं बाबा साहब इस बात से इतने खफा थे कि उन्होंने सविता को कुछ सख्त बातें भी कह दी थीं। बाबा साहब आप शांत हो जाइए, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। ये कहते हुए रत्तू ने बाबा साहब को शांत करने की कोशिश की। कुछ देर बाद वो शांत हो गए। उसी रात करीब 8 बजे जैन धर्म का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने आया। ये मुलाकात पहले से तय थी। बाबा साहब बोले, रत्तू मुझे नहीं लगता कि मैं आज जिन लोगों से मिलने की हालत में हूं, लेकिन क्या करूं, ये लोग घर आ चुके हैं, बेहतर है इनसे मिल ही लेता हूं। करीब 8:20 पर बाबा साहब बाथरूम गए, फिर रत्तू के कंधे पर हाथ रखकर वापस ड्रॉइंग रूम में लौटे, लेकिन वो काफी थके हुए लग रहे थे। पास के ही सोफे पर बैठ गए और आंखें बंद कर ली। कुछ मिनटों तक सब शांत थे। जैन नेता उनके चेहरे की ओर देखे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद बाबा साहब ने सिर हिलाया। जैन नेताओं से कुछ देर बातचीत की, उनसे बौद्ध और जैन धर्म से जुड़े कुछ सवाल भी पूछे। प्रतिनिधि मंडल ने बाबा साहब को बुद्ध पर एक किताब भेंट की। ये लोग अगले दिन के कार्यक्रम के लिए बाबा साहब को न्योता देने आए थे। जी शुक्रिया, अगर सेहत ने इजाजत दी तो मैं आपके कार्यक्रम में जरूर आऊंगा, बाबा साहब ने कहा। जब बाबा साहब जैन प्रतिनिधि मंडल से बात कर रहे थे, तभी डॉक्टर मालवंकर ने उनका चेकअप किया। उसके बाद डॉक्टर मालवंकर मुंबई रवाना हो गए। जैन प्रतिनिधि मंडल के जाने के बाद रत्तू ने बाबा साहब के पैर दबाए। बाबा साहब बोले, रत्तू क्या तुम मेरे सिर पर तेल लगा सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं बाबा साहब, रत्तू ने कहा। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। बाबा साहब आंखें बंद करके गा रहे थे। उनके दाएं हाथ की उंगलियां सोफे पर थिरक रही थी। रत्तू, जरा इस गाने का रिकॉर्ड रेडियोग्राम पर तो बजाओ, बाबा साहब ने सांस खींचते हुए कहा। रत्तू, कुछ किताबें और दे दो, और वो द बुद्ध एंड धम्मा, उसे भी ले आओ। उसके परिचय और भूमिका पर कुछ काम करना है, तो मैंने मेरे बिस्तर के बगल में टेबल पर रख दो, मैं रात में इन पर कुछ काम करूंगा। थोड़ी देर बाद उनका रसोईया सुदामा आया और पूछने लगा कि बाबा साहब आप क्या खाएंगे, मैं क्या बनाऊं? बाबा साहब ने कहा कि वो केवल थोड़ा चावल खाएंगे और कुछ नहीं। बाबा साहब अब भी गाना बुदबुदा रहे थे। थोड़ी देर बाद रसोईया दूसरी बार उन्हें बुलाने आया था। वो उठे और डाइनिंग रूम में चले गए। वो अपना सिर रत्तू के कंधे पर रखकर वहां तक गए। जाते हुए अलमारियों से कुछ किताबें भी निकाली और उन्हें किताबें टेबल पर रखने को कहा। रात के खाने के बाद वो फिर अपने कमरे में आ गए। बाबा साहब कुछ देर तक कबीर का गाना गाते रहे। चल कबीरा तेरा भवसागर डेरा, चल कबीरा तेरा
भव सागर डेरा। कुछ देर तक वो यूं ही बुदबुदाते रहे और फिर बेडरूम में चले गए। अब उन्होंने अपने टेबल पर रखी उन किताबों की ओर देखा जिसे उन्होंने रत्तू से रखने को कहा था। अपनी किताब द बुद्धा एंड इस धम्मा की भूमिका पर कुछ देर काम किया और फिर किताबों पर ही हाथ रखकर सो गए। अगली सुबह जब सविता अम्बेडकर हमेशा की तरह उठी तो उन्होंने बिस्तर की ओर देखा। बाबा साहब के पैर को हमेशा की तरह कुशन पर पाया। बाबा साहब कई बार ऐसे ही सो जाया करते थे, लेकिन जब कई बार बोलने पर भी बाबा साहब ने कोई जवाब नहीं दिया तो सविता अम्बेडकर को एहसास हुआ कि बाबा साहब के शरीर में कोई हरकत नहीं है। वो जोर से चिल्लाई। उन्होंने तुरंत अपनी कार नानक चंद रत्तू को लेने के लिए भेजी। कुछ देर बाद रत्तू आए तो देखा सविता अम्बेडकर सोफे पर पड़ी रो रही थी। वो बिलख रही थी कि बाबा साहब दुनिया छोड़कर चले गए हैं। रत्तू ने बाबा साहब की छाती पर मालिश की और हृदय को हरकत में लाने की कोशिश की। हाथ पैर हिलाया डुलाया, उनके मुंह में कुछ लिक्विड डाला, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बाबा साहब शायद रात में सोते समय ही गुजर चुके थे। बाबा साहब उठिए ना, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? देखो मैं आ गया, मुझे कुछ काम बताइए। बाबा साहब, बाबा साहब मुझे कुछ काम बताइए। रत्तू जोर जोर से रोने लगे। सविता अम्बेडकर के रोने की आवाज भी तेज हो चुकी थी। कुछ देर बाद रत्तू ने करीबियों को दुखद सूचना देनी शुरू की और फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों को बताया। कहा जाता है कि सूचना मिलते ही प्रधानमंत्री नेहरू 26 अलीपुर रोड पहुंच गए थे। कहते हैं नेहरू ये नहीं चाहते थे कि बाबा साहब का अंतिम संस्कार दिल्ली में हो, क्योंकि दिल्ली में वर्ण व्यवस्था के कट्टर समर्थक और बड़े वाले ब्राह्मणवादी गांधी की समाधि थी। नेहरू नहीं चाहते थे कि दिल्ली में गांधी से बहुत बड़ा कद रखने वाले डॉक्टर अम्बेडकर की समाधि बने, क्योंकि ये उनकी पार्टी और विचारधारा के लिए चुनौती बन सकता था। जरा सोचिए, मुंबई में चैत्यभूमि पर कितना जनसैलाब उमड़ता है। अगर बाबा साहब की समाधि दिल्ली में होती तो आप जनसैलाब की कल्पना कर सकते हैं। लेकिन नेहरू समेत कुछ लोगों ने उसी रात उनका पार्थिव शरीर मुंबई भिजवा दिया, जहां बौद्ध धर्म के अनुसार बाबा साहब का अंतिम संस्कार किया गया। मुंबई चौपाटी में हजारों लोगों ने उनके अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया। आज चैत्यभूमि दलितों के लिए सबसे बड़ा तीर्थ बन चुकी है। बाबा साहब युगों युगों तक हमें यूं ही प्रेरणा देते रहेंगे। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें द शूद्र और बेल आइकन दबाना ना भूलें।